दिनदारों, सबसे पेशतर हमारे आका इनामदार इमाम जमान मालिक दो जहान नूर खुदाविन बरहक नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाजर इमाम के मुबारक नाम पे सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। दिनदारों, अभी नामदर नेशनल तरीका बोर्ड के गिनान पैनल ग्रुप के बच्चों ने आपके सामने एक गिनान पेश किया। मैं अपने वास की बुनियाद उसी गिनान पे रखूंगा जिसमें पीर सदर दिन माँ बाप ने हमारी जिंदगी के आखिरी सफर, खास तौर पर हमारे जिस्म के आखिरी सफर का जिक्र किया है, जिसमें से हम में से हर एक को गुजरना है। दिनदारों, एक बात बड़ी बुनियादी है, जब से ये दुनिया पैदा हुई है तब से ये बात खुदावंद ताला की तालीमात में बुनियादी रही है, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी अल्फाज से। वो ये है कि इंसान का वजूद दो चीजों से बना है, एक उसका जिस्म है, दूसरी उसकी रूह है। खुदा ने खुद जो कायनात है, जो दुनियाएं हैं, उनको भी दो दुनियाओं में तकसीम किया है। मसलन जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलवातुल्लाह अलैहि से लोगों ने आके सवाल किया कि या रसूलल्लाह, रूह क्या है, आज भी हमारे पास ये सवाल मौजूद है। हर इंसान सोचता है, पैदा होता है, बच्चा है, जवान है, उम्र बढ़ती जाती है तो दिल में एक किस्म का ख्याल, एक किस्म का खौफ पैदा होता है कि मैं खत्म हो जाऊंगा, एक दफा मैं दुनिया से गुजर जाऊंगा। लेकिन जो चीज उसको उम्मीद की किरण देती है और जो चीज उसे ये बात बावर कराती है कि वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, वो ये अकीदा है कि रूह दायमी है, कि रूह हमेशा से है। इंसान का बातनी वजूद हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है। जो चीज मर जाती है, कायाते मरी मरी जाए, बॉडी है, मैटर है, वो खत्म होता है। तो हुजूर से सवाल किया गया, वह यस अलूनका आनी रूह ए मोहम्मद, ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं। कुल रूह मिन अमरी रब्बी, आप इनसे कह दीजिए कि रूह मेरे परवरदिगार के अम्र से है, खुदा के फरमान से, खुदा के हुक्म से है। वमा उती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, आपको इसके बारे में इल्म, तुम लोगों को इसके बारे में इल्म बहुत थोड़ा दिया गया है। जो खुदा ने फरमाया कि रूह मेरे अम्र से है, इसका मतलब हमारे दाइयों ने यह किया है कि दुनियाएं दो किस्म की हैं,
एक आलम में अम्र है, एक आलम में खल्क है। आलम में अम्र रूहानी आलम है, आलम में खल्क जिस्मानी आलम है। आलम में खल्क की वजूद जो है वो रूहानी और नूरानी है, वो न कभी बदलती है न कभी खत्म होती है। आलम में खल्क जो है वो मादी दुनिया है, मटेरियल दुनिया है, उसमें चीजें वजूद में आती हैं, तब्दील होती रहती हैं, खत्म होती रहती हैं, किसी और सूरत में चली जाती है। तो हमारा जो बातनी वजूद है, हमारी जो रूह का वजूद है, वो आलम में अम्र से है जो दायमी है। प्राण पुरुष तो अमर छे, क्यानी देही ने क्यानो आत्मा, जेनु वार न पार, गंदी देही अशुद्ध छे ने आत्मा छे शुद्ध सार। कहां का जिस्म और कहां की रूह, इनका क्या रिश्ता आपस में? तुम्हारा गंदा जिस्म नापाक है, खाक का है, खाक में जाएगा। आत्मा छे शुद्ध सार, जो रूह है वो पाकीजा चीज है। तो आत्मा निर्गुण ब्रह्म छे, देही ते तर लाने घास। आत्मा इंसान की रूह खुदावन ताला के नूर का हिस्सा है। देही ते तर लाने घास, जिसम घास फूस है। नूर सदगुर बोलिया मुनिवर कर जो आत्मा अभ्यास। फिर सदगुर नूर फरमाते हैं कि मोमिनो, रूह का काम करना, रूह की तालीम लेना, रूह की एक्सपीरियंस हासिल करना, रूह के बारे में इल्म हासिल करना। जीवड़ो आकाशी तेंजो पिंडियरो हे पयार, ये तो दोयरे हो दिन का कमल सुने। तुम्हारी जो रूह है वो आकाशी है। फिर शम्स माँ बाप ने अपने पंजाबी गिनान में बड़ी खूबसूरत तशबी बयान की है, धन धन सामी राजा तुसिर जनहार साई जी। इस गिनान के अंदर एक तशबी बयान करते हैं कि इंसान की जब तखलीक हुई, इंसान की जब पैदाइश हुई, तो खुदा ने किस तरह बनाया। फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ मिट्टी ले आओ, पानी ले आओ, हमें इंसान बनाना है। ये बात मिसाली है, तशबीही है। तो फरमाते हैं कि जई मलायक मिट्टी कापण लागा साई जी। फरिश्ते जाकर मिट्टी काटने लगे, मिट्टी खोदने लगे ताकि इंसान को बनाया जाए। मिट्टी रोवण लागी साई जी, तो मिट्टी रोने लगी। तो फरिश्तों ने कहा कि न रुओ मिट्टी, मेरे शहादा फरमान हुआ साईं जी, रो नहीं, मेरे मौला का हुक्म है, तुम्हें ले जाना है। आणियों पानी बंदेदा खमीर मचाया साईं जी। खमीर तो समझते हैं, आटा गूंदने के लिए आटा और पानी जब जमा हो जाए तो खमीर बन जाता है। तो इंसान के जिस्म का मिट्टी और पानी जब जमा हुआ तो खमीर बन गया। खमीर मचाया बंदेदा बुत बनाया साईं जी, खमीर भी बन गया, इंसान का पुतला भी बन गया। अब जो चीज उसमें जिंदगी लाती है, जो चीज इंसान को इंसान बनाती है, अब वो उसमें डालना है। खमीर मचाया बंदेदा बुत बनाया साईं जी, सते आसमाने बंदेदा रू मंगाया साईं जी। मिट्टी जमीन से मंगाया, नीचे से मंगाया, क्योंकि वो पिंडियरो है पयार, तुम्हारा जिस्म पाताल का है, पर जीवड़ो आकाशी सत्य आसमाने बंदे दा रू मंगाया साईं जी। सातवें आसमान से उसकी रूह को मंगाया, वन में रूह अंदर काया कोठी छे तुम्हारी साईं जी। रूह से कहा कि जाओ तुम्हारा मकान बन गया, अंदर दाखिल हो जाओ। रू जुए तो आगड़ है अंधेरा साईं जी। रू ने जब इस कोठड़ी में देखा इंसान के जिस्म में, तो कहा ये तो अंधेरा है, काल कोठड़ी है, इसमें कहां जाओ। ये नहीं है मन हमारा साईं जी, नहीं जाना है मुझे इसमें, ये तो अंधेरा है। मगर तेरा हुक्म है, जेमा में वड़वू तेमा जो फरी काढ़ेगा साईं जी। इस शर्त में जाऊं कि तुम मुझे वापस निकालना, मैं हमेशा के लिए उसमें नहीं रहना चाहता। कीधा कौल करार मेरे हंसेदा राजा साईं जी। रूहों के बादशाह ने कौल और करार किया, दे जो दसोन बंदा धर्म उगारा साईं जी। दसोन अदा करना, धर्म पे अमल करना, तो
तो तुम्हारी नजात होगी और सही तरीके से बाहर निकलकर अपनी मंजिल पर जाओगे। हाजिर इमाम जब बच्चों से भी मुखातिब होते हैं, आपने लश्कर का फरमान सुना है, लश्कर में वो बच्चे आते हैं छोटे छोटे, वालिदैन के गोद में होते हैं, जो भी कोई बात भी नहीं समझ सकते हैं, उनको भी जब मौला ने फरमान फरमाया, मौला ने फरमाया हम जानते हैं कि आपकी उम्र बहुत छोटी है, मगर इसके बावजूद हम चाहते हैं कि आप एक बात याद रखें कि आपकी जिंदगियां दो चीजों से बनी है, एक आपकी रूह है, एक आपका जिस्म है। जो कुछ आप देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, आपके आसपास की तमाम चीजें एक दिन खत्म हो जाने वाली है। आपकी जो चीज बाकी रहने वाली है वो आपकी रूह है। इस चीज को आप कभी न भूलना। गोया हमारे मजहबी तालीम का ये हिस्सा है, जब हम बच्चों को भी मजहब की बात बताते हैं तो ये बताने से कभी गुरेज नहीं करना चाहिए कि जिस्म एक दिन खत्म होने वाला है और हमारी जो चीज हमेशा रहने वाली और बाकी है वो हमारी रूह है। और उसी सफर की तरफ सभी माँ बाप इस ज्ञान के अंदर इशारा फरमाते हैं कि या अल्लाह रे तमने सिरेवु मारा हंसा जीना राजा, कायम करो ने असवारी। मौला से विनती करते हैं, फिर सदर दिन हिंदुस्तान में बैठे हैं, मौला ईरान में है, कायम हर इमाम के नाम के लिए इस्तेमाल हुआ है, और असवारी जब हमारे पीर हिंदुस्तान में है तो बार बार मुरीदों को यकीन दिलाते रहे हैं कि सामी मारो जंपू दीप माए आवेंगो निर्वाण, मेरा मौला जरूर एक दफा हिंदुस्तान आएंगे। और यही विनती है, सामी राजा जंपू दीपे उमायो वेला ते कर जो मौला आवड़ा के, मौला जल्दी आना। तो विनती करते हैं कि तमने सिरेमु मारा हंसा जीना राजा, ए मेरी रूहों के मालिक, रूहों के बादशाह, आजिजी है तेरे सामने, कायम करो ने असवारी, सवार हो जाओ, सवार हो जाओ यानी जाहिर हो जाओ, अपनी जहूरात दिखा दें और आप जाहिर होकर हिंदुस्तान जंपू द्वीप में तशरीफ ले आए। ये जो ज्ञान का पहला पाठ है वो जैसा कि कोई भी बात शुरू करने से पहले हम्द से शुरू करते हैं, तारीफ से शुरू करते हैं, तो जमाने के इमाम की तारीफ और हम्द के साथ, सताइश के साथ ये बात शुरू हुई और फौरन ही जो पूरे ज्ञान का उन्वान है उस पे आ गए। या अल्लाह रे भाई जी, माटी पानी लेकर, बस वो तखलीक का सिलसिला और उसके बाद किस तरह जिस्म का अंत होता है, जिस्म किस तरह खत्म होता है। माटी पानी लेकर काया रतन ए बनाई, मिट्टी और पानी जो इंसान की जिस्म की तखलीक है, वैसे मिट्टी पानी हवा और आग कहते हैं, चार अनासिर इंसान के जिस्म में है और पांचवी उसमें रूह है, इसलिए इसको पांच तंतों के रो पुतलो कहते हैं। इंसान का जिस्म जिसमें पांच अनासिर है, मिट्टी है, पानी है, हवा है, आग है, और खुदावन ताला का नूर रूह जो खुदा ने उसके अंदर डाली है। माटी पानी लेकर काया रतन ए बना, ये भी रतन है क्योंकि मानखा जन्म रतन है, इसमें कुछ काम करने का मौका मिला है, उसको गंवाना नहीं है। उठ जाग मन मेरा तू कायकुस होता है, मानखा जन्म रतन है सो कायकुक होता है। एक पूंजी है हाथ में, उम्र की सांसों की पूंजी लेकर जैसे खर्च करेंगे वैसा अजर मिलेगा, जाया करेंगे तो जाया होगा। आखरत का घर आबाद करने के लिए संभाल संभाल के खर्च करेंगे तो आखरत का घर आबाद होगा। तो माटी पानी लेकर ये काया रतन, गौहर जैसा, जौहर जैसा ये जिस्म बनाया गया है। या अल्लाह रे भाई रे, उड़ गया हंस पड़ी रही माटी, मुस्तक पड़ी सिर भारी, काया रतन है अभी तक, लेकिन एक चीज जो उसकी कीमत बनाता है, हम अगर सोए हुए भी हैं तब भी हमारा वजूद जागता है, हम जब सोए हुए हैं तब भी हमारा वजूद जागता है। ये क्या चीज है? शर्म, हया, जबान, कलाम, समझ, ये सब चीजें किस वजह से है?
रूह की वजह से। रूह निकल जाने के बाद इंसान का सारा जिस्म सलामत रहता है, लेकिन उसकी एक भी फैकल्टी काम नहीं करती है, क्योंकि सारा जो इंसान का कारखाना चलता है रूह की वजह से। उड़ गया हंस, पड़ी रही माटी। रूह निकल गई तो मिट्टी का ढेर नीचे आ पड़ा, मुस्तक पड़ी सिर भारी, सर पे बड़ा बोझ आ पड़ा। वही लोग जिन्हें आप प्यार मोहब्बत से बड़ी आव भगत से घर में ला के बिठाते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, उन पे अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होते हैं, जब हंस निकल जाता है तो आप उसको ज्यादा देर घर में रखने को तैयार नहीं होते हैं, वो सर पे बोझ बन जाता है। ये है, ये इंसान के जिस्म का हाल है कि मुस्तक पड़ी सिर भारी, रूह निकल गई, मिट्टी जमीन पे आ गिरी और अब सर पे बोझ आ पड़ा है कि भाई इसको इसकी मंजिल पे पहुंचाना है, अब इसको मंजिल पे पहुंचाने का कामकाज शुरू करो। या अल्लाह रे भाई जी, क्या क्या काम करना है। बहुत सारे काम उनमें से आज भी हम करते हैं। बताने का मकसद इसके अंदर यह है कि जिस जिस्म पे, जिन लोगों पे तुम नाज करते हो, ऐ सभागा, जिनों दे कारण तू कूड़ कमाए, से नहीं निबसी नाल, वो तेरे साथ आने वाले नहीं होते हैं। या अल्लाह रे भाई रे, आछा आछा नीर, नीर मंगाए कर, काया रतन ए पखारो। ऐ भाई, पाक पानी लेकर आओ। मिट्टी तो पड़ी रही, लेकिन इस मिट्टी को आखिरी मकाम पर पहुंचाने के भी कुछ एहतराम है, कुछ रिस्पेक्ट से इसका काम करना है, तो वो काम करो। पानी लेकर आओ, साफ पानी, अच्छा अच्छा नीर, साफ पानी ले आओ, पानी मंगा कर, काया रतन ए पखारो, जिस्म को धो, पाक साफ करो, और पाक साफ करने के बाद इसको अपनी मंजिल की तरफ ले जाओ। या अल्लाह रे भाई जी, जीणा जीणा कपड़ा, कपड़ा मंगाए कर, काया वस्त्र ए उठायो। पतले कपड़े मंगाओ, इसको हम कफन का लिबास कहते हैं। जीणा जीणा कपड़ा, पतला कपड़ा मंगाओ, कपड़ा मंगा कर इस जिस्म को अब ढांप दो, क्योंकि एहतराम के साथ इसे अपनी मंजिल पर ले जाना है। जब जिस्म को नहला लिया, जिस्म को कफन दे दिया, तो अब इसको उठाकर उसकी मंजिल की तरफ ले जाने की बात है। या अल्लाह रे भाई जी, दोए मिलो, दोए मिलो, मिलो मेरे भाई, मिलकर मंजली ए उठाओ। दो आदमी आ जाओ, आमतौर पे खानदान के अफराद ही आते हैं, आ जाओ, दो आदमी आ जाओ आगे, मिलो, आपस में मिलकर मंजली ए उठाए, जो खाट है, मंजली है, या जनाजा है, इनको उठाए और इनको उठाकर आगे ले चले। या अल्लाह रे भाई जी, चार पाइये चार भाई आपने, ले जाओ जंगल ए मिंजार। अब भी हमें ये तालीम दी जाती है कि जनाजा उठाने के लिए करीबी रिश्तेदारों को बुलाते हैं, बच्चों को, औलाद को बुलाते हैं, भाइयों को बुलाते हैं। यहां भी ये तालीम दी गई कि आखिरी मंजिल पर पहुंचाने की जिम्मेदारी फैमिली वालों की होती है, तो पहले उनको ये काम करना होता है। या अल्लाह रे भाई जी, चार पाइये चार भाई आपने, ले जाओ जंगल ए मिंजा। चार भाई आ जाओ, और चारों कोने में जो इसके चार पहिए हैं, चार पाई है, उसको उठाओ, ले जाओ जंगल ए मिंजा, जो उसकी जगह है, जहां से हम आए थे, जहां से जिस्म, कुल्लु शैन यरजू इला असली ही, रूह अपनी जगह पे जाती है, जिस्म को अपनी जगह पे जाना है, जो खाक है। ए सभागा, इस दुनिया के विच क्या गिन आवे, क्या गिन वैसी नाल सभागा, इस दुनिया में क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, नागो तो आयो नागो तो वैसी, कुछ न निभसी नाल सभागा, खाली हाथ आए हो,
खाली हाथ जाओगे, कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं आएगा। नागो तु आयो नागो तु वैसी करगिन वणज वे पार, खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा। कुछ कारोबार कर ले, आखरत की कमाई कर ले, ऐसा भागा पेर पसार पिया विच चौके, कोल न आवे दर्दे सभागा। यहां मंजली की मिसाल दी, वहां तख्ती की मिसाल दी पंजाब के नतीशम माँ बाप। पेर पसार पिया विच चौके, मैयत को नहलाने के चौकठे के ऊपर तख्ते के ऊपर तू अपने हाथ पैर फैलाए हुए पड़ा हुआ है, खौफ के मारे कोई तेरे पास नहीं आता। वो माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे जो कभी प्यार मोहब्बत से तुझे गले लगते थे, आज खौफ के मारे तेरे करीब नहीं आते, कोई तेरे साथ नहीं आता। जिनू दे कारण तू कूड़ कमाया, उन्हीं के लिए तूने पाप किया था। वो भी कहेंगे होए हवाले रब दे रल भिरावे, विद्या की थी सारे भाई लोग आके जमा हुए, कहा होए हवाले रब दे सबागा, अब तुम खुदा के हवाले, हम तुम्हें खुदा के सुपुर्द करते हैं, क्योंकि इस कब्रिस्तान से आगे हम तुम्हारे साथ नहीं जाते। तो कहते हैं चार भाई चार पाए उठाओ और उठा के ले जाओ जंगल ए मिंजार। या अल्लाह रे भाई रे, पहली मेजल, मेजल मंजिल को कहते हैं, पहली मेजल, पहली मेजल मिलो मेरे भाई जी, ऐ मेरे भाइयों, पहली मंजिल पर आके मिलो। और पहली मंजिल पे क्या करना है, पहली सो नमाज एक गुजारो। पहले आप नमाज गुजारे, जिस तरह जब कब्रिस्तान में ले जाते हैं तो पहले नमाज जनाजा अदा करते हैं, तो इनकी जो आखरत की रसूमात है, पहले आप इनकी नमाज गुजारें। या अल्लाह रे भाई जी, दूजी मेजल, दूजी मेजल मिलो मेरे भाई जी, दूसरी मंजिल पे आ जाओ ए मेरे भाइयों, दूसरी मंजिल पे आके जमा हो जाओ। लई राखो गोर एक किनारे, गोर के किनारे, गोर कहते हैं कब्र को, कब्र के पास कब्र के किनारे ले जाकर इसको रखो। या अल्लाह रे भाई जी, गोर खोदियो, गोर खोदियो, खोदियो मेरे भाई, आया बंदा ए दोसारी। कब्र खोदो, कब्र खोदो, अब तो कब्र पहले से खोद के रखते हैं, उस जमाने की रस्म जो थी वो ये थी कि कब्र के पास ले गए, फिर बोले अब कब्र खोदें। एक इजहार है ख्याल का कि गुनेगार बंदा आया है, और हर बंदा गुनेगार जाता है। दुनिया में दिनदारों दो चीजें ऐसी होती हैं कि जिसको कभी नहीं भूलना चाहिए, ये दो चीजें अगर हमारे दिमाग में, जहन में, दिल में हो, तो हमारी जिंदगी की जो लगाम है वो हमारे काबू में रहे। दुनिया की जो टेम्पटेशन है, दुनिया का जो लालच है, शैतान का जो फरेब है, जिसमें अक्सर हम आ जाते हैं, भटक जाते हैं, दो चीजें ऐसी हैं जब अगर जहन में हो तो हमारा जो ख्याल है, चित है, लगाम है, हाथ में रहता। एक खुदा को कभी न भूलो, दूसरी अपनी मौत को कभी न भूलो, अपनी मौत को कभी ना भूलो। और मौत किसी को बोल के पहले से एडवांस वार्निंग देकर पहले से बता के नहीं आती है, कभी भी आती है, किसी पे भी आती है। और इससे ज्यादा यकीनी चीज दुनिया में कोई नहीं है, इसके लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं है, मौत से ज्यादा कोई यकीनी चीज दुनिया में नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है कि मौत से ज्यादा भुलाई हुई चीज भी दुनिया में कोई दूसरी नहीं है, कि हर आदमी इस तरह जीता है कि बाकी सब ने मरना है, बस सिर्फ उसने नहीं मरना है। इतना सा ख्याल दिल में रहे कि कभी भी हमारा बुलावा आ सकता है, तो अपना हिसाब किताब इस तरह बना के रखें कि हर घड़ी तैयार हो कि या मौला जब भी बुलाना हो, बस अब इस घड़ी तक हमने ये किया है, ये हमारा हिसाब है। या अल्लाह रे भाई जी, गौर खोदियो, खोदियो मेरे भाई, आया बंदा ए दोसारे, ये गुनेगार बंदा आपके पास आया है। या अल्लाह रे भाई जी, अंबर ने धरती,
ऊपर आसमान नीचे जमीन, बस ये उसकी दुनिया हो गई। अंबर ने धरती धरती बिछाई कर तेवीच राखो मेरे भाई। अंबर आसमान को कहते हैं, धरती जमीन को कहते हैं। ऊपर आसमान है, नीचे जमीन बिछा दी हमने, इन दोनों के दरमियान इसको रख दो। अब इसकी जगह यही है, इसका खात्मा यही होना है। या अल्लाह रे भाई जी, लतिया रे गुतिया, लतिया गुतिया देकर अजब की सूरत ए बनाए। आप देखें थोड़ी देर के अंदर इंसान का रवैया कितना बदल जाता है। अभी अभी बड़ा प्यारा था हमारे सारे खानदान के लिए, अब हम इसको यहां ले आए, मिट्टी में डाले, मिट्टी डाल के उसको बंद कर दिया और मिसाल देते हैं, लतियां गुतियां, लतिया रे गुतियां देखकर अजब की सूरत बनाए। दूसरे गिनान में भी है, मथा लतुनी दिंधा यार, तुम्हारे दोस्त आकर ऊपर से पैर मार मार कर तुम्हारे कब्र को सीधी करेंगे, कि तुम्हें गोर में डालेंगे और तुम्हारे दोस्त बिरादर लात मार मार के जमीन को ठीक करेंगे। लतिया रे गुतियां, लतिया गुतिया देकर अजब की सूरत बनाए। ए सभागा, देही तेरी खाक रुलेसी, कीड़े खावन मांस सभागा। तेरा जो जिस्म है माटी सो मिचड़ी, मीठी माहे रेड़ी भेड़ी जाए से कलर खाए से ए देहड़ी। सुनते हैं ना बार, मिट्टी है, मिट्टी में जाएगा और शोर जमीन उसको खा जाएगी। देही तेरी खाक रुलेसी, तेरा जिस्म मिट्टी में मिल जाएगा, कीड़े खावन मांस सभागा, कीड़े इसको खा जाएंगे। देही तेरी ऊपर घास जमेसी, गावा चुगसी घास सभागा। तेरे जिस्म के ऊपर घास निकल आएंगे और गाय आकर तेरे जिस्म पर से ये घास चुगेगी, यानी वो दूसरों के चरने की जगह बन जाएगी। तो फिर किस बात पे बड़ाई करते हो? काया पे? इस काया में, इस जिस्म में बड़ाई की चीज क्या है? इसकी कीमत तो रूह की वजह से, बाकी इसमें बड़ाई क्या है? लखपति छत्रपति चल गया, अरे चल गया लाखों लाख, राज करंता गोखे बिसंता, हारे जल बल हो गया खाक। लखपति छत्रपति जितने भी बड़े बड़े लोग थे, आप नाम गिनवा लीजिए, सब मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो गए। के ना छोरू ने के ना वाछरू, हरे के ना माए ने बाप, अंत काले जऊ जीव ने एकलू, हरे साथे पुन अने पार। माँ बाप भाई बहन भी बच्चे कौन किसके, हर एक को अकेले जाना है और उसके साथ उसका पुण्य उसका पाप साथ में चलने वाला है। या अल्लाह रे भाई जी, लतिया रे गुतिया, लतिया गुतिया देकर अजब की सूरत बनाए, लात मार मार कर उसकी अजीब हाल बना दी। या अल्लाह रे भाई जी, किसका मंडप किसकी मेड़िया, किसका राज ए द्वार, क्या तुम्हारे शामियाने तुम्हारे मकानात, ये किसका है? किसका मंडप किसकी मेड़िया, ये तुमने बड़े बड़े मकानात महलात बनाए किस काम के हैं, किसके लिए, किसका राज द्वार? अब कुछ भी काम नहीं आता, कोठा मंडप माड़ियों घर घोड़ा ने भंडार, केननिया पाण से यार जीव चलन तेवार, शाज मनियड़ो तिनिखे जेके सुबह हड़े जाद। कोठा मंडप माड़ी घर घोड़ा भंडार, जो भी माल जमा किया है दुनिया में, कोई किसी के साथ नहीं आता, जाते वक्त रूह अकेले जाती है। या अल्लाह रे भाई जी, अब आखिरी सलाम उस बंदे की तरफ से आता है, खुदा हाफिज, वो भी कहता है, या अल्लाह रे भाई जी, तमे वरो तमे वरो, जाओ घर आपने, हमको तो जंगल रुखसु यारी। तो भाई ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने हमें यहां तक पहुंचाया, अब आप जाएं। तमे वरो घर आपने, अब तुम अपने अपने घर जाओ। ए जी तारी खोटी छे गरड़ानी नाल, ते तूने वोरावी ने पाछी वड़े, जिंदगी भर जो तुम्हारे साथ निभाती रही बुढ़ापे तक तुम्हारी बीवी, वो भी झूठी है उस लम्हे में, वो भी तुम्हें खुदा हाफिज कह के वापस चली आए। तमे वरो
तमे वरो जाओ अपने घर। हमको तो जंगल रुखसु यारी, हमको तो जंगल और इसके दरख्तों से मोहब्बत हो गई। मोहब्बत क्या हो गई है? अब बस यही मेरा घर, यही मेरा ठिकाना है, इसके अलावा और कोई जगह मेरी है नहीं, मेरे जिस्म को यही रहना है। तुम जाओ अपने घर जाओ और तुम अपने कारोबार में लग जाओ, मेरा किस्सा यहाँ खत्म हुआ। या लारे भाई जी भणे पीर सदर दिन, सुनो गतियु मोमिनो गुरमुखे दीजे वसत ए प्यारी। पी सदर दिन फरमाते हैं क्या मेरे भाइयों, सुनो अपने प्यारे में प्यारी चीज जो है मुर्शिदे कामिल के हवाले, इमाम के हवाले करो, ताकि दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की मोह न रहे और आखिरत के लिए हम हमेशा अपने आप को तैयार रखें। ये बड़ा सादा मुख्तसर सा एक पैगाम है। हमारी जिंदगी की दो चीजें हैं, हमारा जिस्म रोज बदलता है, एक दिन चूंकि मादा है, मैटर है, इसकी खासियत यह है ये एक दिन अपनी सूरत बदल लेगा और दूसरी सूरत में चला जाएगा। जो चीज बाकी रहने वाली है वो रूह है, और रूह को अपने आमाल का हिसाब किताब खुदा के आगे देना होता है, और उसके लिए हमने अपने आप को कितना तैयार किया है वही दरअसल हमारा सबसे अच्छा अकाउंट और सबसे अच्छा हिसाब किताब है। दुनियावी हुकूमतों को हम डॉज देकर काफी अपने खाते में गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन रूहानी खाते में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है, क्योंकि वहां हमारा वजूद खुदा के हाथ सामने बिल्कुल साफ होता है और सब कुछ नजर आता है। तो जब रूहानी मजलिस में हम आते हैं तो ये पैगाम अपने साथ लेकर जाएं कि अपने आमाल का हिसाब किताब देख लें, अपने रूह को जरा जांच लें कि हम रूहानी तौर पर अपनी आखिरत के लिए कितने तैयार हैं। खुदाविन नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाजिर इमाम हम सबको अपने फरमान पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला के जमात के तमाम गुनाह माफ करे, सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे, आखिरी दम तक ईमान सलामत रखे, सुखी सलामत व आबाद रखे, दीदार नसीब करे। सलवात पढ़े दिनदारो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।